Welcome to Mishika classes. Let's know about India part number 9. And in today's class, we are going to discuss about some important dates for India's struggle for independence day part number 2. आज हमारी let's know about India की class number 9 है. आज हम क्या discuss करने वाले? कुछ important dates के बारे में जानेंगे जो India struggle for freedom के बारे में हमारी जो series है वो चल रही है. Okay? तो आज इसकी series number 2 second class है series. Okay, now if you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. First of all, अब हम बात करेंगे आज की सीरीज जो स्टार्ट हो रही है हमारी. इससे पहले कुछ जो इवेंट्स है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. आज हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम सूरत स्प्लिट. सबसे पहला इवेंट जो आज कौन सा है? सूरत स्प्लिट. ये कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था? दिस वॉज हेल्ड इन द ईयर 1907. सूरत स्प्लिट हेल्ड इन ईयर 1907. The division of Indian National Congress into moderates and extremists take place in this event. Surat split कहाँ किसे कहा गया था? कि इसे basically क्या हुआ था? जो Indian National Congress जो party थी, that was divided into two parts. दो parts में divide हो गई थी, moderates and extremists. और moderates किसे कहते? Moderates कौन थे और extremists कौन थे? Now discuss that. Moderates wanted to limit the Swadeshi movement. अब उससे पहले Swadeshi movement हम पहले discuss कर चुके हैं कि Swadeshi movement हमारा start हो चुका था इंडिया का. इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में, मतलब अंग्रेजो भारत छोड़ो जो मूवमेंट था वो स्टार्ट हो चुका था. फिर 1907 में जब सूरत स्प्लिट हुआ, डिवाइड हुआ, तो दो पार्टीज बन गई, एक मॉडरेट्स दूसरे थे एक्सट्रीमिस्ट. मॉडरेट्स क्या चाहते थे? वो लिमिट, मतलब चाहते थे कि स्वदेशी मूवमेंट यहाँ रुक जाए. कुछ लिमिटेशन चाहते थे ब्रिटिशर्स के द्वारा कि भाई ये स्वदेशी मूवमेंट पूरी तरह से ना चले, कुछ लिमिट्स उसमें लग जाए. बट एक्सट्रीमिस्ट्स वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल. लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाहते थे कि हमें पूर्ण आजादी मिले अंग्रेजों के द्वारा, जो अंग्रेज हमारे पर शासन कर रहे हैं, द ब्रिटिश रूल जो हम पे लागू हुआ हुआ है, जो ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे हैं, उससे हमें क्या मिले? कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिले. तो दो पार्टीज बन गई, एक वो लोग बन गए जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते थे और एक वो लोग बन गए जो स्वदेशी मूवमेंट को ही रोकना चाहते थे. द मॉडरेट्स आर दोस दैट वांट द लिमिट द स्वदेशी मूवमेंट एंड द एक्सट्रीमिस्ट्स आर वांट दैट दे वांट द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल. Now the next is the, उसके बाद क्या हुआ? मंडलिया जेल हुई, यानी कि बाल गंगाधर तिलक को क्या मिली? जेल मिल गई. What is this मंडलिया जेल? Now discuss that. मंडलिया जेल basically बाल गंगाधर तिलक गए थे, ये बुर्मा में है. ओके, ऑन 3rd July 1908 को he was arrested. बाल गंगाधर तिलक को अरेस्ट कर लिया गया एंड सेंट टू द जेल फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years. Under the charge of publishing a series of articles in Marathi newspaper against British. Britishers ke against unhone Marathi newspaper, jinka Marathi newspaper ka naam kya tha Bal Gangadhar Tilak ka? You all know that, that the Kesari. Kya naam tha uska? Kesari. Unhone jo Marathi newspaper tha Kesari, usme Britishers ke against bahut kuch likha tha unhone. Bar bar publish kar rahe the. They want to aware the people for India struggle for freedom. Aur aisa kyun kar rahe tha ki India, Indians jaage. इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम हो, हमें आजादी मिले. इसलिए जो अंग्रेजों का शासन जो हम पे चल रहा था उसके खिलाफ उन्होंने बहुत कुछ उसमें लिखा और इसी वजह से बाल गंगाधर तिलक को अरेस्ट कर लिया गया ऑन 3rd July 1908. और जब उनके ऊपर ट्रायल चला, ट्रायल मीन्स उनके ऊपर कोर्ट केस चला, देन उसके बाद उनको 6 years के लिए, 6 सालों के लिए मंडलिया जेल में भेज दिया गया. नाउ व्हाट इज अ मंडलिया जेल? द मंडलिया जेल इज अ बर्मा जेल. बर्मा जेल को मंडलिया जेल कहा जाता था. उसके बाद क्या हुआ? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया. व्हाट इज अ मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स? अब डिवाइड तो हो ही चुके थे, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट तो बन ही चुके थे. उसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इसी चीज का एडवांटेज लिया. द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट जो बन गए थे उसी चीज का एडवांटेज किसने लिया? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ने. इन 1909 द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी स्टार्टेड बाय द ब्रिटिशर्स फॉर गिविंग द सेपरेशन बिटवीन द इलेक्टोरेट्स टू द मुस्लिम्स. उन्होंने क्या करा, ब्रिटिशर्स ने क्या करा, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी स्टार्ट करी. डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ब्रिटिशर्स ने क्यों स्टार्ट करी और उन्होंने कैसे करी? उन्होंने मुस्लिम्स को एक सेपरेट इलेक्टोरेट की पावर दे दी. सेपरेट इलेक्टोरेट मीन्स वोटिंग पावर दे दी मुस्लिम्स को. वो माइनॉरिटी उनको डिक्लेयर कर दिया गया और उसके बाद उनको एक स्पेशल पावर दे दी गई ताकि वो अपना लीडर खुद चुन सके. मॉडरेट वॉन्ट दिस रिफॉर्म बट दे आर अगेंस्ट द सेपरेट इलेक्टोरेट्स. मॉडरेट्स जो थे, जो स्वदेशी मूवमेंट के लिमिट चाहते थे, वो इस मूवमेंट के अगेंस्ट थे. मॉर्ले मिंटो रूल के अगेंस्ट थे. सॉरी, जो मॉडरेट थे बेसिकली क्या, वो इस रिफॉर्म को चाहते थे. वो चाहते थे
इनकी मॉडल मिंटो रिफॉर्म इनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी हो, बट वो ये भी चाहते थे कि मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट की पावर ना मिले। वो स्वदेशी मूवमेंट को तो लिमिट चाहते थे, बट वो इलेक्टोरेट मिले, पावर मिले मुस्लिम्स को एज अ माइनॉरिटी, उनको कोई बेनिफिट मिले, वो ऐसा नहीं चाहते थे। तो दिस इज अ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। अंग्रेजों ने यहाँ पर क्या चला कि तोड़ो और राज करो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी स्टार्ट कर दी। मॉडल मिंटो रिफॉर्म इज अ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। आफ्टर दैट दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज हुआ। उससे पहले जो कैलकटा जो थी हमारी कैपिटल थी, ब्रिटिशर्स की जो कैपिटल थी वो कैलकटा थी, बट दिल्ली दरबार जब ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप हुआ तो उस टाइम पर क्या हुआ, जो कैलकटा से जो प्रेसिडेंट जो वो थी कैपिटल थी वो शिफ्ट होगी दिल्ली में। 1911 में दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन हुई। क्या था इसमें, इसमें क्रोनेशन सेरेमनी अकर। क्रोनेशन सेरेमनी मतलब ताजपोशी, जैसे राजा को ताज पहनाया जाता है, दैट इज अ ताजपोशी सेरेमनी स्टार्ट करी गई। किसकी ताजपोशी हुई, द किंग जॉर्ज फाइव एंड द क्वीन मैरी। किंग जॉर्ज फाइव को एम्परर चुना गया इंडिया के लिए और क्वीन मैरी को एम्प्रेस चुना गया, इनकी महाराज और महारानी का पद दिया गया किंग जॉर्ज फिफ्थ को और क्वीन मैरी को। दिस इज द दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइजेशन। ये दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइजेशन थी जो स्टार्टअप हुई, और इसी के साथ जैसे इनको राजा और इसमें जो इंडिया के जो रिच पीपल्स थे, जो जाने माने लोग हस्ती थे, बड़े बड़े लीडर्स थे, उनको बुलाया गया, उनके सामने ही सब कुछ किया गया। एंड आफ्टर दैट जो कैपिटल थी वो भी कलकत्ता से शिफ्ट होकर क्या बन गई, दिल्ली बन गई। देन नेक्स्ट वाज़ द दिल्ली कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट हुई। व्हाट इज द दिल्ली कॉन्स्पिरेसी, दिस इज द फर्स्ट कॉन्स्पिरेसी आफ्टर दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी, इसको दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी भी कहते हैं। ऑन 23rd दिसंबर 1912 को क्या हुआ, बसंता कुमार बिस्पस वॉज अ एक रिफॉर्मिस्ट थे, एक, जो मतलब एक क्या कहते हैं क्रांतिकारी थे, विद द हेल्प ऑफ हिज फोर रिफॉर्मिस्ट, जो चार उनके जो और क्रांतिकारी भाइयों थे उनके साथ मिलकर, ये थ्रो ऑन अ बॉम्ब, उन्होंने बॉम्ब घेरा लॉर्ड हैंड्रिज पे जब वो दिल्ली में एंटर कर रहा था फ्रॉम हिज स्टेट, अपनी स्टेट में से, अपने राज्य में से जब वो लॉर्ड हैंड्रिज जो थे जब इंडिया में दिल्ली में एंटर कर रहे थे, तो उन्होंने उनके ऊपर बॉम्ब घेर दिया। आफ्टर दैट उनको पकड़ा गया और उनके ऊपर ट्रायल चला। उसके बाद जो इनके फोर रिफॉर्मिस्ट थे उनको तो अटेम्प्ट टू डेथ का मतलब दे दिया गया, फांसी को हैंग टिल डेथ का मिल गया, और इनको जो है कहाँ भेज दिया गया, जेल में भेज दिया गया। आफ्टर दैट सत्याग्रह आश्रम, ये मोमेंट वो था व्हेन महात्मा गांधी वाज रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी का रिटर्न हो चुका था इंडिया में ऑन 25 मई को महात्मा गांधी जो है साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आ गए। जैसे ही वो इंडिया वापस आए, ही एस्टैब्लिश आश्रम नेम ऑफ सत्याग्रह, उन्होंने एक आश्रम शुरू किया और उसका नाम क्या रखा गया, सत्याग्रह। और ये आश्रम कहाँ बनाया गया, इन द कौचार अहमदाबाद, कौचार अहमदाबाद के अंदर इन्होंने ये आश्रम स्टार्ट किया। आफ्टर दैट इन 1917 में इट वॉज शिफ्टेड टू नियर साबरमती, जो ये सत्याग्रह आश्रम था साबरमती रिवर के पास शिफ्ट कर दिया गया। पहले कौचार अहमदाबाद में था, उसके बाद साबरमती रिवर के पास इसको शिफ्ट कर दिया गया 1917। 1915 में तो इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, 1917 की इसके साबरमती रिवर में शिफ्ट हुआ था। ओके, ये मैं डेट्स बार बार क्यों बोलती हूँ आपको, डेट सेपरेटली क्यों बताती हूँ, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर प्रैक्टिसिंग फॉर द सिविल सर्विसेज, जो सिविल सर्विसेज की तैयारियां कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए डेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बार बार मैं अपनी वीडियोस के अंदर ये बात मेंशन करती हूँ आपको कि डेट्स का बहुत ध्यान रखें। आफ्टर दैट द फाउंडेशन ऑफ यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई, मतलब अब लोगों को एजुकेट करने का टाइम आया। तो उसके बाद इन 1916 वॉज दैट ईयर द यूनिवर्सिटीज वॉज फाउंडेड, उसके 1916 के अंदर कुछ यूनिवर्सिटी फाउंड की। पहली यूनिवर्सिटी कौन सी थी, फॉर्मेशन ऑफ द वुमेन यूनिवर्सिटी, वुमेन यूनिवर्सिटी की फॉर्मेशन की गई, वुमेन यूनिवर्सिटी बनाई गई बाय धौंदा केशव कारवे। धौंदा केशव कारवे अगेन एक रिफॉर्मिस्ट थे, उन्होंने वुमेन यूनिवर्सिटी बनाई नियर पूना, पूना के अंदर। आफ्टर दैट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनी, ये हिंदूज के लिए बनाई गई, बनारस में बनाई गई, वाराणसी जिसे हम कहते हैं। And this was made by the Pandit Madan Mohan Malviya. इसको क्रिएट किसने किया, इसको फॉर्म किसने किया था, पंडित मदन मोहन मालविया। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आज भी है। After that, लखनऊ पैक्ट आया। What is the लखनऊ पैक्ट and in which year it is formed? In 1916 के अंदर ही लखनऊ पैक्ट आया था। And this is a pact in which it is signed between two reformists, two parties जो थी वो जुड़ गई।
कौन कौन सी पार्टी थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ऑल इंडियन मुस्लिम लीग जो थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मिलकर एक अग्रीमेंट साइन किया। किसके लिए ये अग्रीमेंट साइन हुआ था? फॉर द इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के लिए जो है दोनों पार्टीज, मुस्लिम लीग भी और कांग्रेस पार्टी भी, दोनों जुड़ गई एक दूसरे के लिए कि हम मिलकर आजादी के लिए लड़ेंगे। और जो साइन करने वाले जो दो लीडर्स थे वो कौन कौन थे? मुस्लिम लीग की तरफ से जो साइन किया था वो थे मोहम्मद अली जिन्ना, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिन्होंने साइन किया दैट वाज द बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक एंड मोहम्मद अली जिन्ना ने दोनों ने मिलकर लखनऊ पैक्ट एग्रीमेंट पे साइन किया। और लखनऊ पैक्ट एग्रीमेंट बेसिकली क्या था? वी विल कंबाइंडली डू एफर्ट्स फॉर इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। इंडिया जो अपनी आजादी के लिए लड़ रहा है उसमें हम दोनों मिलकर क्या करेंगे? आजादी के लिए लड़ेंगे। आफ्टर दैट होम रूल लीग अप्लाई हुआ। अब इसी को कंटिन्यू किया, दोनों पार्टीज ने मिलकर होम रूल लीग लाया। मींस अब बात क्या थी? एग्रीमेंट साइन कर लिया गया। अब बात थी कि अब आजादी लड़ी कैसे, आजादी ली कैसे जाए। तो उसके लिए इन्होंने पहला क्या सेटअप किया? होम रूल लीग लेकर आए। होम रूल लीग बेसिकली क्या था? नाम से ही हमें पता चल रहा है, घर का राज्य होना चाहिए हमारे। टू अटेन द सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट यानी घर का राज्य फॉर इंडियंस अंडर द ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिशर्स का जो राज चल रहा था, चल ही रहा था, उसके अंडर ही वो एक अपनी गवर्नमेंट लेकर आना चाहते थे, अपना अपना कानून, अपनी व्यवस्था, अपनी सरकार लेकर आना चाहते थे फॉर इंडियंस, इंडियंस के लिए। पहला इन अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने जो है होम रूल लीग को फॉर्मेशन करी। आफ्टर दैट इन सितंबर 1916, सेम ईयर सितंबर 1916 में आनी बेसंत ने होम रूल लीग की अगेन फॉर्मेशन करी। पहले सेल्फ गवर्नमेंट कौन लेकर आई, पार्टी कौन लेकर आई? बाल गंगाधर तिलक लेकर आए सेल्फ गवर्नमेंट को। उसके बाद एनी बसंत लेकर आई सितंबर में इसी होम रूल। वो क्यों किया? ताकि हमारे हाथ में कुछ पावर्स आए, पावर्स को इंक्रीज करने के लिए चीज की गई। जब तक जस्टिस के अंदर हम नहीं बैठेंगे, मैजिस्ट्रेट के अंदर हम नहीं बैठेंगे, हम गवर्नमेंट के उसमें नहीं आएंगे, तब तक हमें राज्य को, हमारे देश को आजादी नहीं मिल सकती। वो जानते थे इस बात को, इसलिए उन्होंने क्या फॉर्मेशन करी? होम रूल लीग की, अपनी सरकार लेकर आए जाए अंडर द ब्रिटिश एम्पायर के अंदर। फिर उसके लिए अब स्टार्ट किया गया सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट आया। उसके बाद सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट बेसिकली क्या था? दैट इज कॉल्ड चंपारण सत्याग्रह। अब ये मूवमेंट जो थे बेसिकली ये किसने करे? ये महात्मा गांधी लेकर आए। महात्मा गांधी ने मूवमेंट्स को स्टार्ट किया था, सिविल ये पहला सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट था। सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट का मतलब क्या था? कि बिना लड़ाई करे आजादी के लिए प्रोटेस्ट करना, हंगर स्ट्राइक करना और नारेबाजी करना, मतलब हमने हाथ नहीं उठाएंगे, हम बिना हाथ उठाए अपनी बात को मनवाएंगे। दिस वाज अ सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट लेकर आया। चंपारण सत्याग्रह हुआ इन 1917 में, इसको चंपारण सत्याग्रह भी कहते हैं। पहला ये दिस वाज अ फर्स्ट सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट, ये पहला जो था सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट था चंपारण सत्याग्रह। और इसकी फॉर्मेशन किसने की थी, इसका स्टार्टअप किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। और ये बेसिकली क्यों था, ये रिवोल्ट क्यों लेकर आए थे वो? कि वाज अ प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इनजस्टिस डन बाय द ब्रिटिशर्स टू द इंडिगो फार्मर्स। जो इंडियन फार्मर्स थे उनके ऊपर जो इनजस्टिस, जो मतलब क्या कहते हैं, अन्याय हो रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, उसके अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि अन्याय जो बेसिकली ब्रिटिशर्स इंडियन फार्मर्स के ऊपर जो कर रहे थे उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट किया जा रहा था। इसमें इन्होंने हंगर स्ट्राइक पे गए थे महात्मा गांधी जी। फिर केदार सत्याग्रह, दिस वाज द अगेन द सेकंड मूवमेंट, ही सेकंड मूवमेंट था केदार सत्याग्रह। इसमें क्या था बेसिकली, ये भी जो मूवमेंट था ये 1918 में, नेक्स्ट ईयर ही लेकर आए महात्मा गांधी जी। और इन्होंने इस मूवमेंट में बेसिकली क्या किया था, इसमें जो छोटे छोटे जो मतलब क्या कहते हैं, जो छोटे पीजेंट्स थे, छोटे छोटे फार्मर्स थे, उनके लिए किया, दैट हुआ नॉट एबल टू पे लैंड टैक्स ड्यू टू द क्रॉप फेलियर एंड द प्लाग एंड द कॉलरा। उस टाइम पर प्लाग, कॉलरा, ये भयंकर बीमारियां भी आ गई और साथ ही साथ सूखा पड़ गया, जिसकी वजह से जो उनकी फसलें थी, जो उनकी क्रॉप थी, वो सबके सब खराब हो गई। जब सब कुछ तरफ से डैमेज ही डैमेज हो रहा था तो वो अनेबल थे टैक्स पे करने के लिए, जो लैंड टैक्स। बेसिकली पीजेंट्स होते कौन है, उनके पास अपनी लैंड नहीं होती, वो दूसरी की लैंड को रेंट पे लेके उसके ऊपर वो क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, दैट कार्ड वाला पीजेंट्स, उन्हें पीजेंट्स कहा जाता है। तो जो खेदा सत्याग्रह मूवमेंट जो था बेसिकली उनके लिए लिया था कि भाई इस साल तो क्रॉप फेलियर भी हो गया, प्लाग, कॉलरा, ऐसे से भयंकर डिजीजेज आई हैं, तो इसकी वजह से इनके पास पहले ही कुछ खाने पीने के लिए नहीं है, तो ये टैक्स कैसे पे करेंगे, दे आर नॉट एबल टू पे द टैक्स। तो ये जो रिफॉर्मर्स लेके आते, ये उनके सपोर्ट में लेके आते कि वो टैक्स पे नहीं कर सकते, कृपया करके उनका टैक्स को माफ कर दिया जाए। आफ्टर दैट द रोवाल्ट एक्ट आया। व्हाट इज द रोवाल्ट एक्ट? रोवाल्ट एक्ट क्या था बेसिकली?
दैट वॉज इन द ईयर 1919 के अंदर वो वर्ल्ड एक्ट आया था। और ये बेसिकली क्या था, इसके अंदर क्या था, इसमें इंडियंस के जो इंडियन सिटीजन थे उनके जो फंडामेंटल राइट थे, मतलब उनके जो अधिकार थे, नैतिक अधिकार थे, उसको लिमिट कर दिया गया था, उसको बहुत कम कर दिया गया था, उनसे उनके कुछ अधिकारों को छीन लिया गया था। क्योंकि अब सत्याग्रह मूवमेंट सब कुछ जो अंग्रेजों के खिलाफ था, तो उनकी ही पावर को खत्म करने के लिए ये रोवाल्ट एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर आई। इस एक्ट के अकॉर्डिंगली क्या था, इस एक्ट में क्या लेके आए ब्रिटिशर्स, इस एक्ट में उन्होंने अरेस्ट कर लेंगे विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी वारंट। उनके पास कोई वारंट है किसी के अगेंस्ट नहीं है, बस वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर किसी भी तरह का ट्रायल चला सकते हैं। तो उसके अगेंस्ट भी फिर से क्या हुआ, एक नया आंदोलन करा गया और नया आंदोलन लेकर आए और इसके अगेंस्ट वो चले। दैट वाज अब उसके जो कौन सा जो आंदोलन था जो वो लेकर, दैट वाज जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग जो कांड था वो इसी के लिए किया गया था कि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे जो रोवाल्ट एक्ट, बिना किसी वारंट के आप इंडियंस को अरेस्ट कैसे कर सकते हो। इसको हम डिस्कस करेंगे इन अवर नेक्स्ट क्लास, जो नेक्स्ट क्लास होगी हम उसमें ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। आई होप जो यूपीएससी के स्टूडेंट्स है दे गेट द यूजफुल इन्फॉर्मेशन थ्रू दिस वीडियोस। जो स्टूडेंट्स हैं क्लास टेंथ के जो एसएसटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर अपने बोर्ड एग्जाम्स, क्लास नाइन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी और उनको समझ में भी आया होगा कि कौन से मोमेंट्स में क्या क्या हो रहा था। फिर भी उनको कुछ डाउट है वो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई विल गिव रिप्लाई। थैंक यू।